देश के पहले विश्व स्तरीय रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का आज उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। जनजातीय समुदाय को देंगे सौगात। रानी कमलापति स्टेशन परियोजना की कुल लागत लगभग 450 करोड़ रुपए। मुरादाबाद में कांग्रेस प्रतिज्ञा सम्मेलन, पार्टी को मजबूत बनाने में जुटी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, आज लक्ष्य 2022 को करेंगी संबोधित। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे काशी विश्वनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर के निर्माण कार्य का लिया जायजा, मां अन्नपूर्णा की मूर्ति की आज होगी प्राण प्रतिष्ठा। दिल्ली में प्रदूषण के बिगड़े हालात, सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर आज होगी सुनवाई, कोर्ट ने राज्य और केंद्र को लगाई थी फटकार। शिवसेना ने सामना में महाराष्ट्र की हिंसा को बताया साजिश, पूछा चुनावों से पहले ही हिंदुत्व क्यों खतरे में आता है। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर तेजस्वी यादव के निशाने पर सीएम नीतीश कुमार, बोले जंगल राज खत्म करके सुशासन देने का वादा टूटने लगा। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, ईडी और सीबीआई चीफ का कार्यकाल बढ़ाकर 5 साल तक किया, ईडी चीफ के कार्यकाल पर पड़ सकता है असर। महामारी के घटते आंकड़ों के बीच पश्चिम बंगाल में मिली पाबंदियों में छूट, आज से राज्य में खुलने जा रहे हैं शैक्षणिक संस्थान, ममता सरकार ने लिया फैसला। दिल्ली विश्वविद्यालय ने स्नातक में प्रवेश के लिए विशेष कट ऑफ सूची की जारी, एडमिशन के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए आज अंतिम मौका। केरल में भारी बारिश के कारण आज स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद, कोल्लम, पठानमथिट्टा, अलापुझा और कासरगोड जिले में जमकर बरप रहा है कुदरत का कहर। कोरोना के बीच बच्चों के लिए खुशखबरी, इजराइल में अब 5 से 11 साल तक के बच्चों को भी लग सकेगी कोरोना वैक्सीन। ऑस्ट्रेलिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2021 जीता, पहली बार जीता टी20 वर्ल्ड कप का खिताब, न्यूजीलैंड एक बार फिर फाइनल में हारा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की लोकप्रियता में बड़ी गिरावट, कोरोना और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर लोगों ने जाहिर की नाराजगी। COP26 सम्मेलन में बोले संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटेरेस, कहा समझौते पर्याप्त नहीं, यह आपात मोड में काम करने का समय। ऑस्ट्रिया में बिना वैक्सीन लगवाए लोगों पर लगा कोरोना वायरस लॉकडाउन, घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी, सिर्फ बुनियादी जरूरतों पर निकलने की छूट। इकोनॉमी की रफ्तार पर आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी बैठक, राज्यों के सीएम और वित्त मंत्री रहेंगे मौजूद, इकोनॉमी में और तेजी लाने के लिए राज्यों का सहयोग जरूरी। क्रिप्टो करेंसी पर बिल पेश करने की तैयारी में मोदी सरकार, आरबीआई ने वर्चुअल करेंसी पर सरकार को किया आगाह, आज फिर अहम बैठक। बनारसी साड़ी पर महंगाई की मार, महापंचायत में मजदूरी में 20% बढ़ोतरी का ऐलान, महंगाई की वजह से बुनकर उद्योग संकट में। हरियाणा में आज से 24 घंटे बंद रहेंगे पेट्रोल पंप, सरकारी वाहन, एम्बुलेंस और पुलिस के वाहनों को ही तेल मिलेगा, राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन ने दिया हड़ताल को समर्थन। 154 मेल एक्सप्रेस और हॉलीडे स्पेशल अब रेगुलर ट्रेन की तरह चलेंगी, नहीं लिया जाएगा विशेष चार्ज, राजधानी शताब्दी समेत कई स्पेशल ट्रेन को किया गया शुमार।